नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी बर्मा चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। अब देखिए 26 भी बेटा इंटर रिलेटेड है 24 से। 24, 25, 26 तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और जिसमें अगर आपने 25 कर लिया तो फिर 26 करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जी इफेक्टिव वाला कंसेप्ट कि कैसे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर आप 26 का सॉल्यूशन जानना चाहते हो अच्छे से, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा 24 का सॉल्यूशन, फिर 25 का सॉल्यूशन, एंड देन आपको 26 ऑलरेडी कवर हो जाएगा। दैट मीन्स आप सिर्फ ये दोनों का सॉल्यूशन देखो, 26 उसके बाद देखने की ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, है ना, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर, या मैं कोशिश करूँगा क्या कि एंड जब भी वीडियो का जो लास्ट है उसमें मैं प्लेलिस्ट ऐड कर दूँ, तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे क्या बोला है देखते हैं। बोला कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। ठीक है, तो ये फिगर से वाकिफ हो आप, ये तीसरी बार आ रहा है कंटिन्यू, है ना। बोला सपोज ए स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो पूरे स्पेस में बेटा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। एंड द अपर ब्लॉक कैरियज ए पॉजिटिव चार्ज क्यू। अपर ब्लॉक के पास चार्ज है बेटा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, कितना है, क्यू है, ऑन इस टॉप सरफेस। ठीक है, बोला क्या द फ्रिक्शन कॉफिशियंट बिटवीन द टू ब्लॉक इज म्यू, जैसा कि पहले था ये म्यू ही है, बट द फ्लोर इज स्मूथ, पहले भी स्मूथ था, ठीक है, फ्लोर इज स्मूथ। व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ कैन बी अप्लाइड विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम। तो पहले भी यही पूछा था पार्ट ए में, तो इसमें बस यही है डिफरेंस कि बस ये इक्विलिब्रियम के लिए ही पूछ रहा है। और इसके पहले जो आंसर आया था बेटा इक्विलिब्रियम के लिए जो फोर्स की जो वैल्यू आई थी वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो आया था कितना, शायद 2μmg, शायद यही आया था, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार, 2μmg, हाँ शायद यही आया था। ये आया था कब, 24 का सॉल्यूशन में। वही 25 में क्या बोला था कि पूरे को लिफ्ट में डाल दिया था, ये जो पूरा जो सेटअप है ना पूरे को लिफ्ट के अंदर डाल दिया था। तब जो सॉल्यूशन में जो चेंजेज हुआ था वो क्या हुआ था, जी की जगह पे जी इफेक्टिव ले लिया था, है ना, और वहां पे बोला था लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो जी इफेक्टिव की जगह पे क्या लेंगे हम लोग, जी माइनस ए लिया था, ठीक है, नीचे जाता है तो जी माइनस ए, ऊपर जाता है तो जी प्लस ए। तो ये हो गया, यहां पर भी सिमिलर सिचुएशन है बेटा, लिफ्ट वाला ही सिचुएशन है। अब देखना ये है कि क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली में क्या है ना, मेन जो प्रॉब्लम है वो FL के साथ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 25 में भी FL चेंज हो गया था, उसी तरह से यहां पर भी FL फिर से चेंज हो जाएगा। यार क्यों हो जाएगा FL चेंज सर, तो FL क्या होता है बेटा, FL होता है म्यू इंटू एन, म्यू तो चेंज नहीं करेगा मगर एन चेंज कर जाएगा। सोचो क्यों करेगा चेंज। अब ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये मैं, अब इस पे चार्ज क्यों है बेटा, तो आप जानते हो कि अगर चार्ज क्यों है तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट यूज करो, क्लास 9-10 में बेसिक्स तो इतना पढ़ा ही होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में, है ना, अगर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई अगर पॉजिटिव चार्ज रखोगे आप क्यू, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सिंपल क्यू इंटू ई, यही वाला फंडा यूज करने वाले हैं बस यही। और अगर नेगेटिव चार्ज रखोगे तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मगर मैग्नीट्यूड अभी भी क्या होगा, सेम होगा, क्यू इंटू ई ही होगा। तो बस ये फंडा यूज करना है और कुछ नहीं। अब आप सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस वाई साहब पे एम वाले पे क्यू चार्ज तो दे दिया इंटू ई एक्स्ट्रा फोर्स लग जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा फोर्स आ गया इस पे। सर अगर चार्ज नहीं देता सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देता तब कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, तब जो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, चार्ज दे दिया ना तो फोर्स एक्स्ट्रा इस पे लग गया।
अब इस पे सोचो फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। एक तो इस पे लग रहा है बेटा नीचे की तरफ एम जी, वर्टिकल में बात कर रहा हूँ। एक तो लग रहा होगा क्या, ये कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा होगा एन। अब देखो पहले क्या था ना, ये वाला फैक्टर नहीं था तो एन इक्वल टू एम जी लिख देते थे, तो डायरेक्ट म्यू एम जी आंसर आ गया था। लिफ्ट वाले में क्या हो गया कि एक्सेलेट करने लगा तो फिर एन चेंज हो गया, क्योंकि इफेक्टिव जो जे इफेक्टिव हो गया जी माइनस से हो गया। अब यहां पर भी एन चेंज हो जाएगा। यहां पर देखो क्या लिखोगे, एन की वैल्यू क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, म्यू इंटू सॉरी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, पहले एन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, है ना, एन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यू ई, ठीक है, ऊपर वाला फोर्स, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू क्या लिखोगे, नीचे वाला फोर्स, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितना आ गया, एम जी माइनस क्यू ई, ये आ गया। तो अब जो तुम लिखोगे एफ एल, एफ एल तो म्यू इंटू एन होता है, तो एफ एल अब क्या लिखोगे, एफ एल अब लिखोगे म्यू इंटू एन की जगह पे क्या आ गया यार, एम जी माइनस क्यू। अब यही देखो पहले क्या हो रहा था, पहला वाला में सिर्फ ये वाला टर्म आया था, ये गायब था, दूसरा वाला में क्या हो गया, एम ए भी आ गया एक्स्ट्रा, है ना, तो जी माइनस ए का फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया। अब इसमें क्यू ई भी एक्स्ट्रा आ गया, तो आप सोचो हर एक जगह ये वाला फैक्टर एक्स्ट्रा पड़ता जाएगा, क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब क्या करेंगे। ठीक है, एफ एल की वैल्यू तो आ गई, अब फिर से वही, अगर आप जनरल मेथड से करना चाहते हो तो फिर से वही करना पड़ेगा, और नहीं तो अदरवाइज आप जी इफेक्टिव वाले मेथड से करना चाहते हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर लो कि क्यू ई के चलते ए की वैल्यू कितनी आएगी। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, एफ बाई एम, तो एफ कितना है बेटा एक्स्ट्रा, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। तो आप सिंपली ऐसा कर लो, जी इफेक्टिव की जगह पे क्या लगा लो, जी इफेक्टिव की जगह पे क्या लगा लो, जी माइनस ए, और ए की जगह पे क्या रख लो, ये वाला पूरा पार्ट। और बाकी क्वेश्चन नंबर 26 में जो जहां जहां ए है वहां वहां रख लो, तो एक तो इससे आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो मैं छोड़ रहा हूँ, ये तो आप खुद से कर सकते हो, और अगर कुछ लोग फिर भी जनरल मेथड से करना चाहते हो तो वो आगे देखें कैसे करेंगे। फिर सारा कुछ रिपीटेड है, पहले नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। सर नीचे वाले पे क्या होगा, एक तो लिमिटिंग वैल्यू लगेगा ही इधर, और एक क्या लग रहा है बेटा, राइट साइड टेंशन लग रहा है, देख लो यहाँ पे दो ही फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल में इस पे, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन इधर लगेगा इस पे और टेंशन इधर की तरफ, और ऊपर वाला फोर्सेस नहीं ले रहे, कंसिडर नहीं कर रहे, उससे कोई मतलब मुझे नहीं है, और ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ क्योंकि वो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो वो मैं फिर सब नहीं बताने जा रहा। अब चूंकि इक्विलिब्रियम की बात कर रहा, अगेन टी इक्वल टू एफ एल, बट अगेन एफ एल की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू इंटू एम जी माइनस क्यू ई, ठीक है। अब फिर से ऊपर वाले का इक्विलिब्रियम चेक करो, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली एफ की वैल्यू बताना है, तो ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये कैपिटल एम का बनाया था मैंने, है ना, ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ स्मॉल एम का, तो ये हो गया एफ, दिस इज व्हाट टेंशन एंड दिस इज व्हाट लिमिटिंग, अगेन एफ इज इक्वल टू व्हाट, एफ इज इक्वल टू व्हाट, टी एंड एफ एल, टी एंड एफ एल बोथ आर सेम, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टू म्यू एम जी माइनस क्यू ई, तो एक्सेलरेशन वगैरह तो शायद पूछा नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स एफ कैन बी अप्लाइड विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम, तो आंसर सिर्फ वही हो जाएगा। इवन अगर एक्सेलरेशन वगैरह पूछता जैसे डबल करने के बाद जो निकाला गया था, तो उसमें भी आप लोग निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन, तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 के साथ।